हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रीम 11 के 3 ऐसे सीक्रेट के बारे में जिससे आप बहुत ही अच्छा विन कर सकते हो ड्रीम 11 या फिर किसी भी वेबसाइट में जो फैंटेसी लीग है 100%। तो फ्रेंड ये 3 इम्पॉर्टेंट टिप्स आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको वीडियो जो है पूरा देखना है और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको कुछ इस तरह का टिप्स ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिससे आप जो है बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हो। इससे पहले अगर आप चाहते हो कि मैं डेली जो लाइव आके जो है वर्ल्ड सीसी जो गेम है अगर मैं लाइव प्ले करूँ तो वर्ल्ड सीसी 2 जो है वो अगर लाइव प्ले करूँ तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करना। अगर कोई 5 या 6 कमेंट भी आया तो मैं ज़रूर आपको जो है लाइव जो है आऊँगा हर संडे या फिर जब भी मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं 3 टिप्स के बारे में। तो तीनों में से जो पहला फर्स्ट ट्रिक है, 2 ट्रिक जो होगा होने वाला है वो होने वाला है स्मॉल लीग के लिए और जो थर्ड ट्रिक होने वाला है वो है ग्रैंड लीग के लिए। तो फ्रेंड बात कर लेते हैं फर्स्ट ट्रिक के बारे में। सबसे पहला ट्रिक है स्मॉल लीग का जो कि मैं बताने वाला हूँ। अगर आप जो है स्मॉल लीग खेलते हो तो स्मॉल लीग में आप जितना भी 2 से लेके अगर आप अराउंड हम लोग पकड़ लेते हैं 20 मेंबर लीग के साथ खेलते हो तो आप कैसे टीम बना सकते हो और क्या क्या आपको करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड सबसे पहले अगर आप ये वाला लीग जीतना चाहते हो तो आपको जो है फर्स्ट डे यानी 24 आवर पहले जो है आपको जो है लीग ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तब आपके जीतने के चांसेस जो है अराउंड जो है 30% बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप्स है। आप अगर जीतना चाहते हो कोई भी 2 सिंगल 2 8 खेल रहे हो या कुछ भी खेल रहे हो आप 1 डे पहले जो है ज्वाइन करने की कोशिश करना तो आपको जो है आपका जो ओपोनेंट है बहुत ही वीक मिल सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप जो है टीम को जो है प्रॉपर जो है अपडेट के साथ जो है चेंज ज़रूर करना, वरना आपका टीम भी जो है वो जो है मिस हो सकता है। आप ऐसा नॉर्मल टीम बनाइए जिसे लगभग जो है प्लेइंग 11 पता लगाने की कोशिश कीजिए। हालांकि कंफर्म प्लेइंग 11 जो है नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए और जो है अराउंड जो है 9 प्लेयर तो कंफर्म मिल ही जाएगा जो कि खेलेंगे। तो उनमें से एक कंफर्म 11 के लिए आपको जो है मैच के 1 घंटे पहले तक जो है आपको जो है वेट करना है, 1 आवर पहले तक जो है वेट करना है और आपको जो है टीम एडिट करना है। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको सपोज करने वाला हूँ तो फ्रेंड आप देख सकते हो जैसा कि ये वाला मैच है, ठीक है 20 आवर यानी ये मैच जो है कल है। तो आप अगर आप अभी ज्वाइन कर लोगे तो अगर आप टीम कोई भी बना दो, अगर आप मैच शुरू होने से पहले आप चाहे तो टू लिस्ट लगा सकते हो, आप जो है रिमाइंडर या फिर अलार्म जो है लगा सकते हो और जो है आप जो है टीम एडिट कर सकते हो। तो फ्रेंड मेरा जो नंबर 2 टिप सीक्रेट जो नंबर 2 है वो है आप जो है किसी भी अगर टीम के साथ अगर ज्वाइन करते हो तो आप उनका जो है लेवल ज़रूर देख लेना है। तो फ्रेंड लेवल ज़रूर देख लेना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाला है, क्योंकि अगर आप लेवल देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सपोज़ मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, अगर आप जो है टेंथ से लेके अगर आप तक 50 लेवल के साथ खेल रहे हो तो समझ लीजिए ये जो सारे प्लेयर है वो ज़्यादातर जो है रिस्क की टीम बनाते हैं। फ्रेंड ये मैंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्क की टीम बनाते हैं और जो ओल्ड मेंबर है, ठीक है जो कि ओल्ड मेंबर है यानी 50 से लेके अराउंड जो है 200 तक मैं बता देता हूँ, ठीक है ये लोग जो है ज़्यादातर सेफ टीम में बिलीव करते हैं, क्योंकि स्मॉल लीग में आप जो है सेफ टीम में जो है ज़्यादा अर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड तो आप इसमें जो है थोड़ी बहुत जो है अगर 50 से लेके 200 रैंक के बीच में अगर आप आते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा जो है रिस्की टीम बना सकते हो। लेकिन जैसे ही आप जो है इससे ऑपोजिट होगा तब आप जो है सेफ टीम बना लेना, क्योंकि आपका ओपोनेंट के टीम जो होगा उससे आपका टीम अगर ऑपोजिट होगा तो आप बहुत ही अच्छा विन कर सकते हो ड्रीम 11 पे। तो फ्रेंड एक टीम मैं एक चीज़ और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ग्रैंड लीग के बारे में बताने वाला हूँ, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो फ्रेंड अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है
सब्सक्राइब नहीं किया है और नीचे अगर मैंने मुझे नहीं बताया कि गेम पहले क्या करूँ या नहीं तो कमेंट कर लीजिए, क्योंकि ये सीक्रेट आपकी जो है लाइफ बदल सकती है। तो फ्रेंड ये सीक्रेट है जो हाला प्ले में आपने देखा होगा कि एक रिवर्स जो है लीग आ रही लीग होती है, जिस पे आप जो है कुछ ऐसे प्लेयर को चूज़ कर सकते हो जो कि ख़राब परफॉर्मेंस करेगा। हालांकि 100% प्लेइंग एलिमेंट में होना चाहिए, ठीक है, 100% प्लेइंग एलिमेंट में होना चाहिए और जो कम स्कोर करेगा। तो फ्रेंड आपको सेम टीम जो है ड्रीम एलेवन पे भी जो है वही टीम जो है बनाना है, लेकिन कुछ कैप्टन एंड वॉइस कैप्टन कुछ ऐसे प्लेयर को करना, लेकिन जो कि जो है ज़्यादा पॉइंट कर सकते हैं उसे कैप्टन वॉइस कैप्टन करना जो कि ख़राब फॉर्म में है या फिर आपको लगता है वो ख़राब खेलेंगे। तो फिर इससे क्या होगा, आप ग्रैंड लीग जो है बहुत ही आसानी से विन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत समझ में नहीं आई है, क्योंकि जो मुझे अभी अभी थॉट आया है इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो फ्रेंड इस वीडियो को तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। जो ग्रैंड लीग की जो टिप्स है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है डिटेल्स के साथ बताने वाला हूँ, जिससे आप बहुत ही अच्छा अर्न कर सकते हो। ये ट्रिक मैं बहुत ज़्यादा शेयर करने वाला हूँ और नेक्स्ट एक दो वीडियो में भी बताने वाला हूँ। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि मेरा जो आप रिवर्स टीम बनाइए, अगर आप कोई बेस्ट प्लेयर खेल रहा है तो उसे मत लीजिए, जो रिवर्स जो अच्छा नहीं खेल रहा है उसे लीजिए। तो इसके बारे में मैं आपको डेमो देके भी जो है बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतने ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।